का उतना महत्व बढ़ जाता है, हैं इतना महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो बांके बिहारी जो किसने बोले हरिदास ने स्थापन किया है, हैं भगवान की भक्तनी, और कब से ठाकुर बोले से सत्य युग से ठाकुर हुए, इसलिए उसी तरह ए बजाना नहीं, कथा कथा में रुचि नहीं, बजाने में रुचि है, घंटी मत बजाओ, घंटी मत बजाओ, कुछ डोकरी लोग आए कोई अरे कृष्णा इनकी कथा मतलब भी रुचि नहीं है, इधर सुना, इसलिए ये जो ठाकुर जी है इसके किसने स्थापन किया है बोले बज्रनाभ, बोले ये बज्रनाभ कौन थे बोले कृष्ण के बेटे के बेटे के ये बेटे थे, ये द्वापर युग में सही ये ठाकुर जी प्रतिष्ठित हुए हैं, ये ठाकुर को उन लोगों ने स्थापन की जिन लोगों ने भगवान को दर्शन किया, ठाकुर जी जिसने दर्शन किया उनको कृपा से ये ठाकुर जी प्रकटित हो, नहीं ये मंत्र सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी इसी मंत्र से ये विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि की, फिर ब्रह्मा जी उसी मंत्र नारद जी को दिए, फिर नारद जी उसी मंत्र व्यास देव को दिए, व्यास फिर मध्वाचार्य को दिए, करते 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 जो सत्य युग से ये मंत्र गुरु परंपरा से आई, गुरु परंपरा से आई, अगर ये गुरु परंपरा से अगर कोई मंत्र लेना उसको जरूर एक ना एक दिन उसको ठाकुर मिलेंगे, जैसे मेन इंजिन है, हैं मेन इंजिन को साथ में अगर एक कोयला का डिब्बा जोड़ जाए ना वो सही जगह पर पहुंच जाएगी, अगर मेन इंजिन को साथ में अगर ऐसे सोने की अगर डिब्बा हो लेकिन अगर जुड़े नहीं हो ना वो जहां तक खड़ी रह जाएगी, इसका मतलब क्या, हम जितने अनर्थग्रस्त जितने पापी होने पर भी अगर ये शुद्ध परंपरा से अगर ये मंत्र को लेते हैं ना ये मंत्र एक दिन जरूर हमें ठाकुर को पहुंचाएगा, लेकिन ये कलयुग होने का नाते कोई नया नया कौन सा संप्रदाय आ जाता है मन मानी ढंग से कोई कोई नए नए मंत्र निकाल करके उन्होंने दे दे, बोलिए मंत्र लो, शास्त्र कहता है जब तक तुम शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में नहीं जुड़ोगे कहीं भी अगर तुम मंत्र ग्रहण करोगे वो मंत्र तुम्हें भगवान तो ले नहीं जा सकता, शास्त्र मना कर देता है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्यों वो मंत्र भगवान से नहीं है, लेकिन जो मंत्र भगवान से आता है अगर वो मंत्र को जप करोगे तो मंत्र एक दिन क्या करेगा भगवान तक वो मंत्र प्राप्त करा देगा, इसलिए नियम है शुद्ध वैष्णव परंपरा में चार वैष्णव संप्रदाय श्री ब्रह्म रुद्र और सनक, ये चार ही संप्रदाय में कोई एक शुद्ध संप्रदाय से हमें हरिनाम ग्रहण करनी चाहिए, फिर एक दिन वो मंत्र हमें सही जगह पर पहुंचाएगा, और ये सही परंपरा है ना उसमें नियम है, ऐसे नहीं गए मछली खा रहे हो मांस खा रहे हो प्याज लहसुन खा रहे हो हाँ बोले लो 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 मंत्र ले लो कोई बात नहीं, बोले क्यों बोले साल में एक बार तो आएगा कुछ ना कुछ दे जाएगा, मतलब तुम्हारी वो तुम्हारी कल्याण सोचा नहीं, वो अपना पैसा ऐंठने के लिए 8-10 मंत्र भी याद कर दिया, बोले बैठ जाओ और लोग एक एक करे चलो आगे जो खड़े हो चलो सबके चलो।